हेलो पैशनेट गार्डनर, स्वागत है आपका मेरा आज के ब्लॉग में। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। सो गाइज, आज मैं करने वाली हूँ बिल्कुल ऑर्गेनिक सनफ्लावर सीड्स की हार्वेस्टिंग आप लोगों के साथ। आपने देखा होगा कि मेरा जो सनफ्लावर का प्लांट था वो प्रीवियस ब्लॉग में जब तूफान आया था तो पूरा का पूरा लटक गया था, लेकिन फाइनली वो मतलब अच्छे से सर्वाइव हो गया है और उसने सीड्स भी बना लिए हैं। सो बस मैं आज उसी के सीड्स को हार्वेस्ट करने वाली हूँ। सो गाइज, ये है मेरा सनफ्लावर का प्लांट और इसके हेड को मैं ऊपर कर लेती हूँ। देखो ये कितना बड़ा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये बिल्कुल मेरे एक हाथ के जितने हैं और इसके जो आप ये सीड्स देख रहे हो ये पूरे के पूरे पक गए हैं। और अभी मैं इसका जो ये पूरा का पूरा हेड है, इसे पूरा हेड बोलते हैं, और इसके पूरे हेड को यहाँ से कट करके और इससे जो है सीड हार्वेस्ट करने वाली हूँ। एंड आई एम सो हैप्पी यार, ये कितना ज़्यादा बड़ा हो गया है ना, मतलब मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। और आई थिंक इसके ना एक दो सीड्स जो है वो निकल भी गए हैं। मैंने जो है इसे किया था एडिबल सीड से ग्रो। मैं तो नहीं खाती हूँ सनफ्लावर के सीड्स, लेकिन मैंने इसे अपने एक फ्रेंड से लिए थे इसके सीड्स को। थैंक यू सो मच सीड्स देने के लिए। एंड मुझे उम्मीद नहीं थी क्योंकि इसके जो सीडलिंग्स थे वो इतने हेल्दी नहीं थे, तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा प्लांट बन पाएगा, लेकिन इसने काफ़ी अच्छी ग्रोथ अपनी पकड़ी। और देखो मतलब एकदम हेड भी इसका बिल्कुल सही है। और इसकी जो सनफ्लावर की फ़ोटो है वो मैंने अपने इंस्टाग्राम पर डाली है, तो जो जो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं उन्होंने देखा होगा, और जो नहीं करते हैं वो मुझे कर सकते हैं निकिता रावत 6753 में। एंड वहाँ पर मैंने इसकी जो है पिक डाल रखी है और ये काफ़ी अच्छा ग्रो हो चुका है गैस, मतलब इसने सीड्स भी बना लिए हैं और ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है। इसके लीव्स भी जो है वो काफ़ी अच्छे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसके ये जो हैं फ्लोरेट्स सेंटर के, इसको निकाल देंगे क्योंकि ये हमें नहीं चाहिए, तो इसे हम निकाल देते हैं। इसमें बहुत सारी चींटियां लग चुकी है। सो फाइनली ये जो सारे सीड्स हैं ये हो गए हैं हार्वेस्ट।
और अब मैं क्या करूँगी, इसे कुछ टाइम तक सन ड्राई कर दूँगी बिकॉज इसमें मॉइस्चर होता है और अगर मैं इसको ऐसे स्टोर करूँगी तो इसमें कीड़े लगने के चांसेस ज़्यादा होंगे, फंगस लगने के चांसेस ज़्यादा होंगे। इसलिए मैं इसे क्या करूँगी, थोड़ा धूप में सुखा दूँगी ताकि इसका जो मॉइस्चर है, जो इसके अंदर नमी है सीड के अंदर, वो जो है थोड़े ठीक लेवल पे आ जाए ताकि जब हम इसे स्टोर करें इसमें कोई भी फंगस या कोई भी कीड़ा जो है वो अटैक ना करे। एंड ये जो हैं सीड्स, इसमें से मैं क्या करूँगी, कुछ पोर्शन अपने फ्रेंड को दे दूँगी जिसने मुझे सीड्स दिए थे, एंड कुछ पोर्शन जो है वो मैं अपने नेक्स्ट ईयर के लिए रखूँगी उसे ग्रो करने के लिए, एंड कुछ ऐसी जो है इसको रख देंगे थोड़ा खाने के लिए। मैंने कभी ट्राई नहीं किया है वैसे ये खा के। सनफ्लावर सीड्स के जो हैं हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, जिन्हें वेट लॉस करना है उसके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है ये। एंड इसमें प्रोटीन कंटेंट काफ़ी अच्छा होता है, फाइबर्स अच्छे होते हैं, हेल्दी फैट्स होते हैं एंड मिनरल्स बहुत अच्छे होते हैं। सो जिन्होंने अभी तक कंज्यूम नहीं किया है या जिनको अभी वेट लॉस करना है वो इसे ज़रूर कंज्यूम कर सकते हैं, और अच्छा होगा अगर आप अपने घर में ही उगा के इन सीड्स को हार्वेस्ट करें और तब इसे कंज्यूम करें, एकदम बिल्कुल फ्रेश एंड ऑर्गेनिक। इसको जो है हम लोग यूज़ करते हैं मेनली ऑयल पर्पज़ के लिए ना, तो इसमें क्या होते हैं हेल्दी फैट्स पाए जाते हैं और इसके अलावा इसमें मिनरल्स, आयरन, मैग्नीशियम, ये सब चीज़ें भी जो हैं काफ़ी ज़्यादा पाई जाती हैं, तो आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। ये इसके हेल्दी बेनिफिट्स भी जो हैं, हेल्थ बेनिफिट्स भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। सो गाइज़, ये था मेरा आज का शॉर्ट एंड सिंपल व्लॉग सनफ्लावर सीड्स हार्वेस्टिंग का। सो मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।